वेलकम टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को वनीला केक और वनीला फ्रॉस्टिंग के साथ बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले हम इसका केक रेडी कर लेते हैं, और केक के लिए हमें ये चीज़ें चाहिए। ये मैंने मैदा लिया है, मैदा मैंने लिया है 3 कप, और 3 कप में से मैंने 6 टेबल स्पून निकाल लिया था उसमें से, और उसके बाद मैंने 6 टेबल स्पून इसमें कॉर्नफ्लावर डाला था और इसको छान लिया था। और ये मैंने चीनी ली है, चीनी है 1 कप और 3/4 कप, और 4 अंडे हैं और 1 कप दूध लिया है, और 1 कप मैंने ऑयल लिया है, और ये मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, और ये है 1 टीस्पून है, और साथ में 3/4 टीस्पून, और ये मैंने सॉल्ट लिया है 1/2 टीस्पून, और वनीला एसेंस लिया है 1/2 टीस्पून। इसको आप 1 टीस्पून भी ले सकते हैं, जिस तरह अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो 1 टीस्पून ले लें। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये सारा फ्लावर ऐड कर दूँगी। और फिर इसमें मैं ये चीनी डाल दूंगी, और इसमें जाएगा नमक और बेकिंग पाउडर, और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करने लगी हूँ। ये देखिए, इस तरह से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ हैंड मिक्सर से। अच्छी तरह से सारी चीजें मिक्स हो रहे हैं। अब मैं इसके अंदर ये ऑयल डाल दूंगी। ये ऑयल डालते जाएंगे, इसको मिक्स करते जाएंगे। सारा ही डाल देती हूँ, फिर इसको मिक्स कर लेती हूँ। ये देखें, इस तरह से ये हो गया है। इसको हमें ज़रा मिक्स करना है। ये मैंने अब बीटर ले लिया है, और अब मैं इसके अंदर अंडे डालूंगी। एक एक करके डालूंगी और साथ साथ बीट करती जाऊंगी। एक डालूंगी, फिर इसको बीट करूंगी। ये एक मैंने इसमें बीट कर लिया, अब मैं इसमें दूसरा डालूंगी और फिर इसको बीट करूंगी, और इस तरह से एक एक करके डालती जाऊंगी और बीट करती जाऊंगी, और लो स्पीड पे हमने इसको बीट करना है। ये देखें, मैंने एक एक करके सारे एग्स डाल दिए थे और साथ साथ में बीट करती गई थी। ये देखें, इस तरह का हो गया। अब हम इसके अंदर मिल्क ऐड कर देंगे और वनीला एसेंस। मिल्क हम इसमें सारा डाल देंगे, और इसमें वनीला एसेंस डालेंगे, और अब इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट बीट करेंगे ताकि सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखें, ये मैंने अच्छी तरह से इसको बीट कर लिया है। ये देखें, इस तरह का ही हो गया। अब मैं इसको पैन में निकालती हूँ, जिसमें हमने इसको बेक करना है। ये देखें, ये मैंने केक के लिए मोल्ड ले लिए, और ये मैंने 10 इंच का लिया है, और ये देखें, इस तरह से यह है। इसमें मैंने सारा ऑयल ग्रीस कर दिया था पहले, और फिर बटर पेपर लगा दिया था इसके नीचे, और फिर दोबारा से ऑयल ऐसे ग्रीस कर दिया था, और अब मैं बैटर इसका इसमें डाल देती हूँ। और ओवन मैंने प्री हीट होने रख दिया है 180 डिग्री पे, तकरीबन 15 मिनट्स के लिए मैंने इसको प्री हीट किया है। अब हम केक की आइसिंग रेडी करते हैं, और ये हम बटर क्रीम की आइसिंग इसके लिए बनाएंगे, और इसके लिए मैंने ये बटर लिया है। बटर है 100 ग्राम्स, और ये कप्स में है 1 कप, और 300 ग्राम्स मैंने ये आइसिंग शुगर ली है, और ये कप्स में होगी तकरीबन 3 कप, और ये मैंने 2 से 3 टेबल स्पून मिल्क लिया। ये हम देखते हैं कि इसमें कितना जाएगा, और अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। और चीनी आपने घर की पिसी हुई नहीं लेनी, आइसिंग शुगर लेनी है। अब हम सबसे पहले बटर को थोड़ा सा बीट करते हैं, और बटर जो है वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। ये मैंने इसको बीट किया है तकरीबन 2 से 3 मिनट, और अब ये देखिए, इस तरह से क्रीमी सा हो गया है, लेकिन अभी भी इसका कलर चेंज नहीं हुआ। हमें इसका पूरा कलर चेंज करना है, लेकिन अभी हम साथ साथ इसमें आइसिंग शुगर भी ऐड करते जाएंगे। ये मैं इसमें 2 टेबल स्पून आइसिंग शुगर डालूंगी, और फिर इसको बीट करूंगी। मैंने चीनी डाल के थोड़ा सा बीट करती रही हूँ, और अब मैं इसके अंदर ये मिल्क ऐड करूँगी। मिल्क में अभी तकरीबन डालूंगी इसमें 1 टेबल स्पून, और अब इसको बीट करूँगी, और फिर उसके बाद दोबारा से 2-2 टेबल स्पून ये डालती जाऊँगी, और इसको बीट करती जाऊँगी। ये
लिए तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको बीट किया है। तो ये देखें इस तरह से हो गई, लेकिन अभी भी ये पूरी तरह से नहीं हुई, क्योंकि जब मैं इसको ज़रा सा हाथ पे लेके इसको इस तरह से करेंगे ना आप या टेस्ट करके देखें तो हल्का हल्का सा चीनी का दाना आएगा, तो वो दाना नहीं आना चाहिए। और अभी मैं इसके अंदर ये वनीला एसेंस डाल रही हूँ, ये है 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस। और अब मैं इसको दोबारा बीट करूँगी, तकरीबन 10 से 15 मिनट हमें इसको और बीट करना है, जब तक इसके चीनी का दाना ख़त्म नहीं होता। ये देखिए मैंने इसको तकरीबन 20 मिनट और इसको बीट किया था, लेकिन आपने मशीन को ज़रा सा रेस्ट दे दे के करना है, एक साथ ही 20 मिनट ना कीजिएगा। और ये देखिए अभी कितनी अच्छे से हमारी फ्लफ़ी हो गई है, ये देखें ठीक है, बिल्कुल फ्लफ़ी हो चुकी है, ये अब बिल्कुल रेडी है केक पे लगाने के लिए। ये देखिए हमारा केक इतना अच्छा सा बेक हो चुका है, और इसको बेक होने में तकरीबन आधा घंटा लगा था, 30 मिनट्स में हुआ था ये। अब मैंने इसको इसके मोल्ड में से निकाल दी और इसके नीचे ये सिल्वर वाला जो इसका गत्ता होता है वो रख दिया। अब हम इसको कट करेंगे ऊपर से, ये देखें जिस तरह से ये फूल किया हमने, इसको ऊपर से भी इसको उतार लेना है, ऊपर से हमें इसको फ्लैट करना है, तो ये लेयर भी हम इसकी उतार लेंगे। आप इसको छुरी से भी कर सकते हैं या केक को जो काटने वाला होता है आप उससे भी कर सकते हैं, मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। ये देखें ये है केक स्लाइसर, इसको हम इस तरह से रख के तो इसको काट लेते हैं, इसकी जो है यहाँ से इसकी ऊंचाई जो है वो सेट कर लेते हैं। आपको इजीली मार्केट से मिल जाता है या ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हैं। और इससे जो है अब मैं इसको कट करूँगी, इसकी ऊपर वाली लेयर को उतार दूँगी और मिड से भी इसका एक इसको कट लगाऊँगी मिड में से। ये देखिए जो इसकी ऊपर वाली लेयर थी वो मैंने इस तरह की नाइफ से, ब्रेड नाइफ से मैंने काट ली थी, और अभी इसको मैंने ये मिड में इसकी तार कर दी है, और इस तरह से इसको मैं कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से कितनी आसानी से ये बिल्कुल सीधा जो है कट जाएगा मिड में से, और केक को हमने ठंडा करके काटना है। ये देखें ये हमने कट कर लिया मिड में से, और ये देखें उससे कितना अच्छा ये कट है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये आप लोग ज़रूर मंगवा लें, केक बिल्कुल इससे सीधा कटता है। ये देखिए मैंने केक को जो है ये केक वाली इस तरह की डिश पे रख दी है, और अब ये हमारी आइसिंग भी रेडी हो चुकी थी, अब ये हम इस पे अपनी आइसिंग लगाएंगे। ये केक वाली नाइफ ले लेंगे, इससे हम अपनी आइसिंग लगाते हैं, इस पूरी लेयर को हमने कवर करना है। ये देखिए ये पूरी मैंने इस पे क्रीम लगा दी है, अब इसके ऊपर मैं ये रख दूंगी दूसरा स्लाइस, और अब इसके ऊपर क्रीम लगाएंगे। पहले बिल्कुल पतली लेयर लगाएंगे ऊपर भी और साइड्स पे भी, उसके बाद फिर हम नीट करेंगे इसको। ये देखिए हमने इसे ऊपर से कवर कर दिया इसकी साइड्स करेंगे, इस तरह थोड़ी थोड़ी लेते रहेंगे और इस तरह से लगाते रहेंगे, थोड़ी थोड़ी लेते रहेंगे और इस तरह से लगाते जाएंगे। इसके ऊपर मैं और क्रीम नहीं लगा रही है उससे स्पैचुला से, क्योंकि अब मैं इसके ऊपर डेकोरेशन करूँगी तो उसमें काफ़ी क्रीम इसके ऊपर लग जाएगी। तो ये देखें मैंने ये नोज़ल ली है, ये देखें आगे से इस तरह से, इससे जो है मैं इस पर बास्केट वाला डिज़ाइन बनाऊँगी, और क्रीम जो थी मैं इसमें पाइपिंग बैग में फिल कर दी है, और अब हम इसका डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। बास्केट वाला डिज़ाइन बनाऊँगी, आप लोग किसी भी तरह का बना सकते हैं जिस तरह से आपको पसंद हो, इस तरह से आएगा, और फिर हम इसको इस तरह करके इस तरह, इस तरह करेंगे, और इसके साथ से फिर एक दोबारा लाइन लगाएंगे इस तरह से। और फिर जो इसके बीच में स्पेसेस थी यहां से अब हम लेकर आएंगे इस तरह से, इस तरह से अब हम बनाते जाएंगे, ये सारा मैं फुल करूँगा। ये देखिए मैंने इस तरीके से ये सारे केक पे कर दिया है, तो कितना खूबसूरत सा ये बास्केट स्टाइल का बन गया है। अब जो इसकी साइड्स हैं इसमें आप वो स्प्रिंकल्स भी लगा सकते हैं जो मल्टी कलर्स के होते हैं, तो मैं वो इसके साइड्स पे लगा देती हूँ। और अब मैं इसको ज़रा सा फ्रिज में रख के इसको ठंडा कर लेती हूँ, और बस हमारा केक अब रेडी है।
ये देखिए मैं इसके साइड्स पे ये जो होते हैं कलरफुल से स्प्रिंकल्स, ये मैं इसके साइड पे इस तरह से लगा रही हूँ। ये देखें कितना खूबसूरत लगेगा, मैं आप लोगों को भी कैमरे से दिखाती हूँ। ये केक को मैंने फ्रिज में रख दिया था थोड़ी देर के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए, और अब ये बहुत अच्छा सा सेट हो चुका है। और ये देखें कितनी आसानी से बन गया था। जिन लोगों से ऊपर से क्रीम सही से प्लेन नहीं होती उनके लिए भी ये डिज़ाइन बहुत अच्छा है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कल दोबारा आऊँगी किसी और नई आसान सी अच्छी सी रेसिपी के साथ।